इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तानाशाही हम युवा चलने नहीं देंगे। यह देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। हमारे लिए संविधान सबसे ऊपर है और ये संविधान को तोड़ रहे हैं और हम इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री इस देश के संविधान की हत्या करने की तैयारी कर रहा हो उनसे और कुछ अपेक्षा नहीं की जा सकती। कभी फरमाया था किसी शायर ने कि जिस हाल में जीना मुमकिन हो उस हाल में जीना लाजिम है। इस हाल में जीना मुमकिन नहीं है, इस हाल में जीना मुमकिन नहीं है, इस हाल में जीना लाजिम है। और इस जीने का मैसेज देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। किसी को मज़ा नहीं आ रहा है इतनी ठंड में अपने घरों से निकल के आकर पुलिस को भी परेशान करने के लिए। और ये जो स्टूडेंट जो आंदोलन कर रहे हैं किसी को मज़ा नहीं आ रहा, सबको अपनी पढ़ाई करनी है, सबको अपना अच्छा कैरियर चाहिए। लेकिन सरकार जिस तरीके से तानाशाही पूर्वक जिस तरीके कानून लेके आ रही है उससे हम सब लोग मजबूर है कि सड़कों पर के संघर्ष करें। आज के जमाने के अंदर जब बोफर्स की फाइल जहाँ के रखी हुई आपके राफेल्स की फाइल गायब हो जाती है, यहाँ पे रखे हुए डॉक्यूमेंट गायब हो जाते हैं, यहाँ की फाइलें मौजूद नहीं होती है, अनएम्प्लॉयमेंट का आपके पास कोई कोटा नहीं है, तो यहाँ पे 40 साल पुराने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे मिल सकते हैं। नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद अब साफ हो गया है कि मोदी शाह की जोड़ी इस देश के संविधान को खत्म करने की पूरी तरह से तैयारी कर रही है और आज उसको लेकर पूरे देश में विरोध के स्वर उभरे हैं। और अभी पिछले दिनों चाहे दिल्ली हो या आसाम हो, जहाँ भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं वहाँ पर पुलिस के दमन के द्वारा लोगों को कुचला जा रहा है। आज भोपाल में भी सैकड़ों हजारों लोग सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि हम संविधान की हत्या नहीं सहेंगे, इस कानून को वापस लिया जाए और हम चाहे कुछ हो जाए अपने संविधान को बचा कर रहेंगे। हमारा जो देश है वो कल्चर धर्म निरपेक्ष के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में कई ऐसे धर्म है जो साथ मिलकर हम बनाते हैं, यहाँ धर्म के नाम पे आपस में लड़वा रहे और कुछ नहीं हो रहा है। हम अपने अधिकार मांग रहे हैं यहाँ पर आकर। हम एक जनतांत्रिक लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं, तो यहाँ सरकार लाठियों और बंदूकों से क्यों बात कर रही है, वो लोगों से आगे क्यों नहीं बात करती है। डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में यही फर्क है कि डेमोक्रेसी में आजादी होती है। अगर मुझे पसंद नहीं है तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन डिक्टेटरशिप में ये नहीं होता और इसको डिक्टेटरशिप बनाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। स्टूडेंट्स पर अटैक नहीं चलेगा, जामिया की बात नहीं है, जामिया एएमयू जेएनयू आज सुबह ड्यू पर, अगर इन्हें लगता है कि स्टूडेंट्स को और हम यूथ को तोड़कर ये लोग कोई भी बिल पास कर लेंगे या हमारी नागरिकता पर सवाल है तो ये नहीं चलेगा। हम उसी के लिए सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए, पॉलिटिक्स मत चलाए, रिलीजन को आड़ नहीं बनाए, हम सब एक है और यूनिवर्सिटी में हम पढ़ने आते हैं और हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। आप जितना मारेंगे लोग उतना ही बाहर आएंगे और इसके विरोध में खड़े रहेंगे। Thank you.